चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 800 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चन जो लेक्चर बने हुए हैं इनसे संबंधित, वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे। वो अपनी है जनरल साइंस के नाम से, जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, बहुत काफ़ी हैं यार, इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और किसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टडी मटेरियल की, काफ़ी हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी इसी लेक्चर में पढ़े हुए हैं जनरल साइंस के बायोलॉजी से संबंधित जो लेक्चर थे, और ये क्वेश्चंस के लेक्चर हैं। ठीक है, बात करते हैं 801वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्टी ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? याद रखना, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो याद रखना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने के कारण दिल का दौरा होता है, हार्ट अटैक। जब हृदय की कोरोनरी धमनियां, उसकी शाखाएं सिकुड़ जाती हैं, तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसे एनजाइना कहते हैं। इसी का बेहद रूप दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हैं, अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, शराब का सेवन, धूम्रपान इत्यादि। रोगी के सीने में बाईं ओर तेज दर्द दर्द उठता है, जोरों का पसीना निकलता है और घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक जाती है, इससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा है, किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। 14वां क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो याद रखें राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले इत्यादि रोग होते हैं। बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, तो याद रखना वातप, ट्रेकिया। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इससे श्वसन वातक से होता है। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा श्वसन क्रिया होती है। 6वां क्वेश्चन, पुरुष में मरकरी के विषाक्त जन से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना सी, मीना मार्ता। ठीक है, बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, गुणसूत्र में होते हैं, तो याद रखना DNA और प्रोटीन। ठीक है, बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखना यूरोकॉम। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? तो याद रखना फीलिया को, स्प्लीन को। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग होता है, तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा होता है। ठीक है, बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो याद रखना कागज। ठीक है, DDT एल्यूमिनियम प्लास्टिक बायो डिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि इसका क्षय नहीं होता। बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, किस उभयलिंगी पशु में पर्णनिषेचन क्रिया किया जाता है? तो याद रखें कैंचुआ में। विलब्बर क्या होता है? तो याद रखना सघन वसा की परत। बात करते हैं 14, DNA के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? तो याद रखना कोडॉन। बात करते हैं 15, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो याद रखना है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ठीक है, DE। ठीक है, DE याद रखिए, वसा में ADE के विटामिन, और BC पानी में, जल में घुलनशील होते हैं, वसा में होते हैं ADE के विटामिन। ठीक है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो याद रखना है रेशम के कीट के प्यूपा से। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला
स्तनपायी कौन सा है? तो याद रखना कंटीला चिंटी खोत। बात करते हैं 18वां, विश्वव्यापी तापमान का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो याद रखना उपयुक्त सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि, फलस्वरूप फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन इत्यादि। 19 क्वेश्चन, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो याद रखना है आपको डी ऑप्शन सही है इसका, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। 19 का डी है, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 20 का, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो याद रखना मच्छर। वैसे पशु जिनका आहार ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसे रुधिरहारी कहलाते हैं। 21 क्वेश्चन, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो याद रखना नेफ्रॉन, ठीक है। 22 क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो याद रखना शरीर से ऊष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। 23 क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना है? तो याद रखना 120 दिन, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो याद रखा यूटेरस, ठीक है। बात करते हैं 25वां क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। बात करते हैं 26, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है? तो याद रखना आपको बी ऑप्शन सही है, ऊर्जा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह ऊर्जा दर्शाता है। 27 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, रेबीज का टीका एवं दूध में पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर इत्यादि। प्याज में खाद्य भाग है, तो याद रखना पत्ता। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है, तो याद रखना सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, ठीक है, बायोगैस उत्पादन में, किसी कृषि अवशिष्ट के पुनश्चक्रण में, कैंसर के निवारण में होती है, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक। 30 क्वेश्चन, मधुमक्खी में पुम धुम धूप डॉन होते हैं, तो याद रखना अनुर्वर नर। बात करते हैं 31, किस ऊतक के नख खोर और सींग बने होते हैं? तो याद रखना कैरेटिन। बात करते हैं 28 क्वेश्चन, सॉरी 32 क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र सहयोजी उत्तरदायी होता है? तो याद रखना डी ऑप्शन सही है, एक्स वाई। किस 33 क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो याद रखना 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 34 क्वेश्चन, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो याद रखना फिरकास अवधि। बात करते हैं आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो याद रखना बंदर से। बात करते हैं 36 क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा 3500 मिलीमीटर में रक्त में होती है? तो याद रखना 14.5 ग्राम। बात करते हैं 37, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है? तो याद रखना कपाल में। बात करते हैं 38, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है? तो याद रखना मुर्गी के अंडे को सैनिक की अवधि। बात करते हैं मछली का ईयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो याद रखना सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंगों द्वारा। बात करते हैं 40 क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो याद रखना है आपको 639, हमारे शरीर में 639 होती हैं, लेकिन पता है आपको 656। जब हमारा कोई भी आंसर अगर क्लियर आंसर नहीं है
जैसे ही अगर रक्त का पीएच मान 7.4 है, 7.4 है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है और तीन दिया गया है 7.3, जिस जो करीब है 7.4 के, उसी को आंसर माना जाता है। तो ठीक है, 639 के करीब है, 5 656, ठीक है, तो ये आंसर सही है। बात करते हैं आगे 41, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो याद रखना इतई रोग से, इटाइटाई, ठीक है। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है, तो याद रखना रूबिस्को, ठीक है। बात करते हैं 43, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, तो याद रखना दंडाणु, ठीक है। बात करते हैं आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं, तो याद रखना सूतिकणिकाएं, माइटोकांड्रिया। बात करते हैं 45, संयोग युग्मी अप्रभावी और विषम युग्मी पादप के बीज का संकरण होता है, तो याद रखना परीक्षार्थ संकरण। बात करते हैं 46 क्वेश्चन, डीएनए में होती है, तो याद रखना पेंटोस शर्करा। बात करते हैं 47, पद जीन किसने बनाया था, तो याद रखना पद जीन जोहानसेन ने बनाया था। बात करते हैं 48 क्वेश्चन, ऊर्ती पूती जीवी वेब जीव है जो आहार के लिए निर्भर रहते हैं, तो याद रखना मृत और क्षय मान सामग्री पर, सी ऑप्शन सही है। 49, पटसन के रेशे हैं, तो याद रखना द्वितीयक फ्लोएम से वास्ट रेशे। बात करते हैं 50, विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है, याद रखना ऑक्सीकरण द्वारा। बात करते हैं 51, कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है, याद रखना गेहूं कब बब्बू किट, ठीक है। नींबू का किंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है, तंबाकू का मुजेक रोग TMC जीवाणु द्वारा होता है, ठीक, टोबैको मैसोरी वायरस। बात करते हैं 52 क्वेश्चन, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन है, तो याद रखना 240, ठीक। वैसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं खरपतवार नाशी कहलाते हैं। 53, दृष्टि की यथार्थ किसका काम करती है, तो याद रखना शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं का काम दृष्टि को यथार्थता है। मनुष्य की आंख में रेटिना पर एलो स्पॉट पाया जाता है, जिसमें कौन सेल शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें एडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है जो तीव्र विकास में देखने के लिए उत्तरदायी है। कौन सेल में रंग पहचानने की शक्ति होती है, इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है। रेड रोड सेल छड़ जैसा होता है, इसमें आर होडोन होडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यह मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। उल्लू में केवल रोड सेल पाया जाता है जिसके कारण इसे रात में दिखाई देता है। 52 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, तो याद रखना आयोडीन द्वारा। 55 क्वेश्चन, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है, तो याद रखना अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, ठीक है। बात करते हैं अगला 56, गोल्जी काय उत्पन्न हुए, तो याद रखना अंतर्देव रेटिकुलम से, ठीक है। बात करते हैं 57, कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो याद रखना लिपिड से, फैट से, ठीक। बात करते हैं 58, सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक नाम माने जाने वाला किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है, तो याद रखना जेनोवाइट बायोटिक्स, ठीक है। बात करते हैं 59, प्राकृतिक रोग में दो पूर्वावस्थाएं होती हैं, यथा पूर्व रोग जनन और रोग जनन। बात करते हैं 60, ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, ठीक। यह हार्मोन एडर्नल कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। बात करते हैं 61 क्वेश्चन, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, तो याद रखना मुख्य कोशिकाएं। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन। बात करते हैं 63, चालनी पट्टी का एक भाग है, तो याद रखना पोषवाह फ्लोएम का। 64, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं, तो याद रखना
जल संवर्धन। बात करते हैं 65, पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, तो याद रखना बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। 66 क्वेश्चन, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो याद रखना यूरिएस। मानव से अगला है 67, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो याद रखना तंत्रिका कोशिका। 68 क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ठीक है बी ऑप्शन सही है। 69 क्वेश्चन, गेहूं का रोग किस कारण होता है, याद रखना थायराइड की अति सक्रियता के कारण। 70, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो याद रखना एस ए नोड को। बात करते हैं 71 क्वेश्चन, जंतु परागण का आशय क्या है, तो याद रखना जंतु जंतु द्वारा परागण। बात करते हैं 72, सक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं, तो याद रखना जैविक उपचार। पुष्पहीन पादकों को क्या कहते हैं, तो याद रखना कैप्टोगेम, ठीक है प्लांट ग्रोप को दो भागों में बांटते हैं, ये अपुष्पीय पौधे हैं क्रैप्टोगेम्स और पुष्पीय पौधे फेनोग्रा फानोरोगेम्स, इसमें थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पेट्रोडोफाइटा एल्गी फंगी बैक्टीरिया वायरस जेम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ठीक। बात करते हैं 74 क्वेश्चन, स्पंज क्या है, तो याद रखना एक कवक, ठीक है सी ऑप्शन सही। 75, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो याद रखना रिप्टेलिया। 76, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लाइड हैं, तो याद रखना वाहिनी कोशिकाएं, ठीक। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का धक्का बनने में सहायता करता है, तो याद रखना टेप्टिस। बात करते हैं 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीमेल कौन सा है, तो याद रखना जावा क्लाइंट्स, ठीक डी ऑप्शन सही है। जबड़े नहीं होते हैं, तो याद रखना प्रोटोकार्डेट में। बात करते हैं 80वां क्वेश्चन, मुख्य विशेषताओं के निम्न समूह में कौन सा समूह मात्र स्तनधारियों को चित्तित नहीं करता है, तो याद रखना डी ऑप्शन नियत तापी चार कक्षों वाला हृदय और गर्भ झिल्ली का अस्तित्व। नियत तापी और चार कक्षों वाला हृदय और गर्भ झिल्ली का अस्तित्व मुख्य विशेषताओं में स्तनधारियों को चित्तित नहीं करता है, ठीक है। बात करते हैं 81वां क्वेश्चन, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, तो याद रखना संयुक्त आंखें, ठीक। 81 क्वेश्चन, 82, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त, तो याद रखना ग्लूकोज। बात करते हैं 83 क्वेश्चन, शब्द जीव मंडल से आशा है, तो याद रखना पृथ्वी के गिर्द मृदा जल वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम है, ठीक। बात करते हैं 84, कमला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपिक्रिया के कारण दिखाई देते हैं, तो याद रखना यकृत, ठीक है। बात करते हैं 85, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को प्रयाग किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है, तो याद रखना बैक्टीरिया। बात करते हैं 86, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का घोतक है, तो याद रखना लाइकेन से। बात करते हैं 87 क्वेश्चन, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होता है, तो याद रखना 200 मीटर, ठीक है। बात करते हैं 88, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है, तो याद रखना इसमें बी ऑप्शन सही है, वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। बात करते हैं अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके लिए वायु को फंसाकर उनके शरीर को गर्म रखता है। 89 क्वेश्चन, ह्यूमस किसका एक प्रकार है, तो याद रखना मृदा में क्षय मान जैव का। 90, अधिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है, तो याद रखना
टिटनेस की। बात करते हैं 91, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जीवा नहीं होती है? तो याद रखना इक्थियोफिश की उभयचर में जीवा नहीं होती है, टंग्स नहीं होती है। 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? याद रखना यकृत। 93, किसी नदी में मछलियां का ना होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र। बात करते हैं 94, मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? पारा। 1984 में भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड से मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। सीसा मुक्त पेट्रोल का उपयोग करने से वायु प्रदूषण होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 95 क्वेश्चन, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो याद रखना अवघटक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 96, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जाड़े के दिनों में शीत रखती है प्राणी, हाइबरनेशन शीत निद्रा में चले जाते हैं। 97, हृदय की आच्छादी झिल्लियों को कहते हैं, तो याद रखना हृदयवारण। बात करते हैं 98, लिपिड है तो याद रखना प्राकृतिक मूल की वसाएं। 99, विकास का अधिकतर अपवर्तन होता है, तो याद रखना स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन होता है। क्लोराइड काले रंग का होता है, यह आई लेंस के सामने होता है, तब इसे आयरिस कहा जाता है। आयरिस के मध्य में एक गैप होता है जिसे पॉपिल पुतली कहते हैं। पुतली के सारे प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। क्वेश्चन नंबर 900 है, अनिषेचक फलन से आशय फल के विकास का है, तो याद रखना निषेचन के बिना। वैसे फल जो निषेचन के बिना बनते हैं अनिषेचक फल कहलाते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग 900 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे बात करेंगे 901 से आगे देखेंगे। ठीक।